सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर सेट है बी, जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। और हम चलते हैं पहले सवाल पे, देखते हैं पहला सवाल कुछ साफ है क्या। कुछ सवाल जो है बहुत धुंधले हैं। देखिए, पहला तो पढ़ने वाला नहीं आ रहा है। आप सब कहते हैं कि अगर क्लियर कॉपी है तो प्लीज़ भेज दें। वैसे जिस बच्चे ने भी अवेलेबल कराया उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले अवेलेबल करा दिया। चलिए देखते हैं, ये है हमारा पहला दूसरा सवाल, सॉरी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है, ये पूछा गया। तो यहाँ पर होती है चार। कौन कौन सी होती है ये चार? पहली होती है आपकी सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, और चौथी प्लाज्मा। वैसे एक और भी होती है जिसे हम मैन मेड कहते हैं, और ये होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच गैस इज यूज फॉर कुकिंग इन हाउसेस? तो हाउसेस में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस होती है LPG, और LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका जो ये जो होता है मिक्सचर होता है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो बी इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। फोर्थ देखिए, द डॉग्स बाइट मे कॉज, डॉग के काटने से क्या हो सकता है? रेबीज हो सकती है। रेबीज एक बीमारी होती है जो कि वायरल डिजीज होती है। इसमें बहुत जल्दी अगर ये हो जाए तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है अभी भी। हालांकि क्यूरेबल है, बट होने के बाद जो है इसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज, अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट होता है मून, आप सब जानते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट मतलब जो इंसान बनाता है वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कहलाते हैं। 6 नंबर देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ये चेंज, किस टाइप का चेंज है ये? तो ये केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे मोमबत्ती का जलना। मोम का पिघलना लेकिन केमिकल चेंज नहीं है, लेकिन जलना किसी चीज़ का वो केमिकल चेंज होता है। 7 नंबर देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मेंटल, और मेंटल के नीचे कोर। 8 नंबर सवाल, द प्लेनेट नियर द सन इज, तो सन के पास सबसे आसपास प्लेनेट कौन सा होता है? जी मरकरी, देन MVEM वीनस, ऐसा होता है ना, MVEM मरकरी वीनस अर्थ और मार्स। इस ऑर्डर को आप इस ढंग से याद कर सकते हो, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, ताकि आप आसानी से अगले एग्जाम में जब कभी फिर होने से कोई सवाल आए तो आप दे सकें। गोइंग फॉरवर्ड जो लोग भी इसको देखेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। 9 नंबर देखिए, थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज, क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाती है वेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कैपिटल उत्तर प्रदेश, यूपी का कैपिटल पूछा है तो ये है आपका लखनऊ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। वी मेक ए केनल, केनल हम इसलिए बनाते हैं कुत्ते के रहने की जगह होती है, तो सी सही है। 12वां देखिए, नेक्टर में कहाँ से मिलता है? फ्लोवर से मिलता है, फूलों का रस हमें फ्लोवर से मिलता है, नेक्टर मतलब फूलों का रस। नेक्स्ट देखिए, पालतू जानवर बीमार हो तो उनको किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है? तो वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, बी सही है आपका। नेक्स्ट 14 नंबर, करंट इज मेजर्ड बाय, तो करंट का जो यूनिट होती है एमीटर, एमीटर है आपका ये। बाकी थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर नापने का काम आता है, और देख लेते हैं बैरोमीटर प्रेशर नापने का काम आता है, वायु दाब, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लैक्टोमीटर क्या काम आता है? दूध की जांच करने का काम आता है। 15वां देखिए, यूनिट ऑफ पावर, पावर का मतलब हो गया शक्ति, और शक्ति हम कहते हैं वाट, वाट से नापते हैं, सॉरी इसका यूनिट है वाट। और शक्ति को आप कह सकते हो कि शक्ति का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या है आप कमेंट करके कमेंट बताइए। देन 6 नंबर, हाउ मनी हाउसेज आर देयर इन ए ह्यूमन, हाउ मनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन स्कल, बहुत ही धुंधला प्रिंट है बट स्टिल मिला है एटलीस्ट। ठीक है, हाउ मनी बोन्स आर देयर इन ए ह्यूमन स्कल, तो ह्यूमन स्कल वो होती है 8 + 14, तो यहाँ 14 का ऑप्शन दिया, 8 तो ये ही नहीं है। 14 और 28 दो दो ग्रुप में होती है ये। 8 होती है क्रेनियल बोन्स और फेशियल होती हैं 14, तो यहाँ पे 14 ही ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट देखें, लाइम स्टोन इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का है ये? तो ये होता है सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट 18 नंबर, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी कितनी होती है? 206, और अगर वो बच्चा हो तो कितनी होती है? 300। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो आने वाले टाइम में आपको, जो भी बच्चे एग्जाम देंगे 6 का उनको भी फायदा देगा, और 6 के अलावा और एग्जाम आप भी देंगे उसको उनको भी फायदा होगा।
तो नोट्स बनाते चलिए, ये इसीलिए हम आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है सूखा रोग या रिकेट। ऑप्शन ए करेक्ट है। एनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी से होता है। इसमें फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें मसूड़ से खून निकलता है और घाव देर से बढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन सी हमें कहाँ मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में। अब आप कमेंट करके बताइए सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं। और गोइटर भी आपके लिए छोड़ दिया है, कमेंट करके बताइए कि गोइटर किसकी कमी से होता है। 20 नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये होता है एशिया। अगला सवाल 21 नंबर, और बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। क्लियर। नेक्स्ट 22, इन केस ऑफ फायर वी शुड डायल, क्या डायल करना चाहिए? 100 नंबर किस लिए डायल करते हैं? पुलिस की हेल्प के लिए, पुलिस से हेल्प के लिए। 101 करते हैं फायर के लिए। अब देखिए अगला सवाल, ये क्या नंबर है भाई, नंबर गड़बड़ा गए हमसे। ये क्या नंबर था, 21 22, तो फिर 18 कैसे आ गया? चलिए रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये भी हम कर चुके हैं। चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। वेर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, तो ये है हैदराबाद में। कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल रहा है ये गोलकोंडा? कुतुब शाही की। 24, विच स्टेट इज नेबर ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम के पास कौन कौन से स्टेट? मणिपुर है, और ठीक है मणिपुर ये जैसे ऊपर तो यहाँ मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है, और कोई ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, मणिपुर है आपके पास। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेज, वेज इनमें से क्या है? तो वेज हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? ये होता है आपका एक्स होता है, निडल होता है, और नाइफ होता है, तो यहाँ सिर्फ एक्स अवेलेबल है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 27 मिसिंग है, तो हमें आपसे दूसरा क्वेश्चन पेपर चाहिए ही अगर इसको सही से बनाना है तो। एनीवे कोई बात नहीं। 28 नंबर देखिए, फिलहाल लीव्स मेक फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड, क्या कहलाता है ये प्रोसेस? तो ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहा जाता है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए, मॉर्गनिज्म दैट लिव इन वाटर और कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? वाटर में रहने वाले एनिमल्स, तो ये कहलाते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। आर्बोरियल क्या कहलाते हैं? जो कि पेड़ों पर रहते हैं, तो आर्बोरियल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 30, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, जो प्लांट्स सिर्फ खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, चेंज ऑफ वाटर वेपर इंटू वाटर इज कॉल्ड, वाटर वेपर से अगर हम वाटर बनाएंगे तो कंडेंसेशन होगा, क्योंकि जमेगा, ठीक है, जमने को आप कह सकते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस है मोटे तौर पे। 32 देखिए, ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कॉजेज, क्या हो सकता है स्पॉइल्ड फूड खाने से? ये हो सकता है हमारा फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट देखिए, थर्टी थ्री है, इन विच सीजन मलेरिया इज मोर कॉमन, तो ये होता है आपका रेनी सीजन, मच्छर की पैदाइश ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट 34, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, तो सीस्मोलॉजी कहलाती है, सी। नेक्स्ट देखिए आप, 35, देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, तो ये कब आया था? ये 26 जनवरी 2001 को आया था, सॉरी 2001 को, सी सही है। नेक्स्ट देखिए, 36, विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर, तो बर्निंग फायर के लिए सबसे जरूरी गैस होती है ऑक्सीजन, और अगर उसको बुझाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हृदय की मांसपेशी मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं ये? तो ये कहलाती हैं कार्डियक मसल्स, जो कभी थकती नहीं है 24/7, और लाइफ टाइम ये ऐसे ही दौड़ती रहती हैं, कभी नहीं कहेंगे आपसे कि हम थक गए। 38 नंबर, इन विच ईयर डांडी मार्च टू प्लेस? 1930 में। नेक्स्ट देखिए, द सिस्टम दैट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी और कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देखिए, 40 नंबर, 3% ऑफ द ऑल द वर्ल्ड वाटर इज फ्रेश वाटर, जो नदियों में बहता है, जिसे हम पीने लायक पानी भी कह सकते हैं, ये सिर्फ 3% होता है, बाकी दुनिया में जमीन और पानी का रेशियो जो है वो भी 3 और 7 का है, यानी 70% पानी होता है। 41 देखिए, देर आर टाइप ऑफ टीथ आर माउथ, कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से जी? ये होते हैं आपके मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर, नोट करके रखिए, अभी आप बच्चे हैं इसलिए आपको ये चीज़ शायद पहली बार सुनने मिल रही होगी। 42 देखिए, आर्टिफिशियल लेक्स वर मेड इन अर्लियर टाइम इन ऑर्डर टू सेव, तो देखिए रेन वाटर तो इसमें मेन है ही है, लेकिन इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर सभी को सेव करने के लिए होता है, बाकी बहरहाल बी इज़ बेस्ट ऑप्शन। 43, सॉल्ट एंड सुगर रिमूव, क्या करते हैं रिमूव? ये तो ऑल जर्म्स को रिमूव करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जो भी लग सकते हैं वहाँ पे, उनको सब हटा सकते हैं ये।
सो ये वाटर को क्यू कारण उसको प्रेजेंस को वहाँ से ख़त्म कर देती है। क्लियर? तो जर्म्स इज मोर बेटर देन बैक्टीरिया, हालांकि बैक्टीरिया भी आंसर हो सकता है इसका, बट अब वेट करना पड़ेगा आपको कि जामिया इसका आंसर क्या देता है। 44 देखिए, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड, तो ये प्लोइंग कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लोइंग या टिलिंग भी कहलाती है बल्कि। 45 देखिए, विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज, कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हम प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज के खिलाफ, तो विटामिन मिनरल्स भी करते हैं, प्रोटीन भी करता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी सब करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। 46 देखिए, इग्लू इज मेड अप ऑफ, तो इग्लू होता कहाँ पे है, ये घर होता है रहने के लिए, जो कि कनाडा के ऊपरी हिस्से में या ग्रीनलैंड में पाया जाता है, और ये किस चीज़ का बना होता है, ये बर्फ का बना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन सांप के जहरीले दांत क्या कहलाते हैं, फैंग कहलाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन क्लाउड डू एंड फॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप के एग्जाम्पल हैं ये, तो ये कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हैं, बी सही। नेक्स्ट देखिए, पिता के भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं या काका, कई बार कहते हैं। नेक्स्ट 50, न्यू बॉर्न आर्ट्स आर नोन एज, तो ये लार्वा होते हैं उनके। और अब आप चलिए मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या क्या, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। 2 by 10 + 3 by 10, तो आप एलसीएम ले लोगे, इन दोनों का क्या आएगा 20, और 10 को 20 से डिवाइड करोगे, 2 आएगा 2 2 = 4, तो ये हमें मिलेगा 4 + 3 by 20, 7 by 20 आंसर हो जाएगा हमारा, 7 by 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 52 देखिए, वन पेयर ऑफ शूज इज अवेलेबल 425 रुपीज़, इन 425 रुपीज़, तो एक पेयर का चूंकि ये कीमत है ये 425, तो 15 पेयर की कीमत हमें निकालनी है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 5 = 75, कैरी हुआ 7 और 15 × 2 = 30 + 7 = 37, कैरी हुआ 3 15 × 4 = 60 + 3 = 6375, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक ही हर के साथ भिन्न क्या कहलाते हैं, लाइक हर, लाइक अंश या लाइक फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट, 10 पैसे और 1 रुपी, 10 पैसे इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ 1 रुपी, 1 रुपी का कितने परसेंट है 10 पैसे, 10% ही तो होता है, 10 पैसे मतलब ये, और 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, परसेंटेज बदलोगे तो इससे 100 से 100 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10% होता है ये। ओके तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये रहा आपका 55, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे निकालते हैं, ये लिया आपने 12, भी लिया 36, अब देखिए 2 से भी कटेगा, 2 के टेबल में जाएगा 3 में, किसी से पढ़ सकते हो आप टेबल, ऐसे करके 6 और ये आएगा 18, आगे ऐसे करते चले जाएंगे, आंसर क्या आएगा 12 36 का एलसीएम। एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के बराबर या उससे भी बड़ा हो सकता है, बड़ा नंबर क्या है 36, 36 आपका आंसर हो जाएगा, निकाल लेना उसको, ऐसे अंदाजा नहीं हो पाएगा आपको। 56 देखिए, प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, तो 13 लाख, 13 लैक्स, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये जाएगा आपका 1 करोड़ 34 मिलियन, यानी कि मिलियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 57 राउंड ऑफ दिस 875 टू द नियरेस्ट 1000, तो 1000 के आसपास होगा, और कोई 1000 तो यहाँ आया ही नहीं। देखिए 58, एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹75 इज सोल्ड ₹4, इतने इतने 75 रुपये का लिया है हमने, CPA ₹75, और SPA हमारा 135 रुपीज़, तो SP क्या है, इज ग्रेटर देन CP, जो कि प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो आप, और वो कितने का रहा है 60 रुपीज़ का, तो ऑप्शन दोनों का डिफरेंस मतलब वही आपका प्रॉफिट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 59 देखिए, एक क्यूबॉइड हैज़, तो ये देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, हम तो ये शॉर्टकट से याद रखते हैं FIVE, ऐसे करके, ठीक, यहाँ पर आई को हमने प्लस में बदल दिया है, और यहाँ पे हम अब एक काम और करने जा रहे हैं, देखिए एफ को ऐसे लिखा रहने दीजिए, वी को ऐसे लिखा रहने दीजिए, दो करिए माइनस इज इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक। तो ये होते हैं फेसेस, कितने होते हैं 6 होते हैं, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, और वर्टिसेस कितने होते हैं 8, 6 + 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 12, और 12 क्या हुआ ये हमारे ई, ई मतलब जो उनसे पूछा गया एज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के लिए ही होती है फिगर। नेक्स्ट डिवाइड करना है 12 by 20 को, 12 by 20, सॉरी जस्ट अ मिनट, 12 by 20 उसको डिवाइड कर रहे हैं आप इससे 2 by 5 से, इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई में बदल लो, 5 by 2 कर दो इसको, 6 ज़ा 5 से काटा 4 ज़ा, यानी कि 3 by 2 आपका आंसर, पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, देर आर
जितने मिनट्स इन ए वीक, कितने मिनट होते हैं भाई, तो आप ये मल्टीप्लाई कर लोगे मिनट्स के हिसाब से, 1 घंटे होते हैं 60 मिनट, तो देखिए 60 × 24 और 7 डेज का पूछा, 10 × 7 करेंगे तो 10080 यस। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं सी टू पे। हाउ मनी मंथ्स है 31 डेज, तो 7 होते हैं, आप फिंगर पे भी जैसे काउंट करते हैं कर सकते हो, जनवरी देन मार्च और फिर मई फिर जुलाई अगस्त फिर अक्टूबर फिर दिसंबर, 7 होते हैं ठीक है। नेक्स्ट 63 लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा सर के लिए कॉर्ड रेडियस। नेक्स्ट देखें, 6 क्या लिखा है, 6 तरफा बहुभुज को क्या कहते हैं जिसके 6 आर्म्स हो, तो ये कह रहा था हेक्सागन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी डी, हेक्सागन या षटभुज। अब देखिए 64 कहता है, एंगल होज मेजर इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड ट्रिप्लेक्स एंगल। आगे देखिए 20% ऑफ 650, तो कुछ करना नहीं होता आपको, 20% कह रहा था, ये 100 लगा देंगे नीचे, 650 यहाँ कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 65 to 100 30, कौन सा ऑप्शन सही, सी। देखिए 24 + 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा लीजिए आप क्या एक्स जो स्पेस है, और ये है डिवाइड का निशान, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसा लिखा जाएगा कुछ, 24.7 × 1/x इज इक्वल टू 0.247, 7 लिखने में नहीं आ रहा, आप ऊपर समझ सकते हो ठीक है। ऐसे करके जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये लगभग कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1000, तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे सही है, 1000 आपको मिल रहा है कहीं पे, 1000 तो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो ऑप्शन सारी गलत है, यस ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो सवाल आपका सही, इसका मतलब आपको फ्री नंबर मिलने जा रहे हैं ठीक है। 68 देखिए, कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में, तो आप 100 से डिवाइड करते हैं जब, तो 0.2 पोजिशन खिसक जाएगा, तो 3.33 आपका आंसर आ जाएगा। 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल न्यूमरल इज मीनिंगलेस, तो आप यहाँ पे देखेंगे एल का मतलब होता है 50, 10 होता है एक्स, और बाकी 1111 ऐसे हम नहीं लिखते बल्कि ऐसे लिखते हैं ठीक है, तो यही आपका आंसर बनेगा। 72 प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लैख, क्लियर, इससे छोटा नंबर क्या होता है, 99,999 ओके। देन 73 विच पेयर इज नॉट ए ट्विन प्राइम, तो देखिए ये 15th प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब यही आपका आंसर बनेगा, ये ट्विन प्राइम नहीं है। रेसिप्रोकल बताना है किसका, 6/2/5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/2/5 को 6/2/5 मतलब 5 6 30 + 2 32/5, अब इसका चाहिए रेसिप्रोकल मतलब 1/ करके लिखो इसको, तो 5 ऊपर चला जाएगा 32 नीचे चला जाएगा, ऑप्शन कौन सा, सी सही। चलिए आगे चलते हैं, आप देखिए 75 नंबर, स्क्वायर हैज पेरीमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, ये आपकी साइड है इसकी ए, तो पेरीमीटर कितनी हो जाती है, 4a, 4a इज इक्वल टू हाउ मच, 100 दिया है तो इज इक्वल टू हाउ मच, 25, अब ए इज इक्वल टू 25 तो आप समझ सकते हैं, जस्ट मिनट, अगर ए ही 25 हो तो आप क्या कहेंगे, ए स्क्वायर जो इसका एरिया होता है वो कितना होगा, 625, कौन सा ऑप्शन सही, डी। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इंग्लिश का पोर्शन है ये, इसमें आपको एक स्टोरी दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद आंसर करने की कोशिश करें, फिलहाल हम आंसर दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं हम इसको। वाटर वर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर, तो ये वाटर सर्च कर रहे थे, उसके बाद अगले देखिए, हु लिव नियर द लेक, कौन रहता था, तो ये रहते थे चूहों की एक फैमिली, ए लार्ज फैमिली ऑफ माइस, तो ऑप्शन पहला सही है आपका। नेक्स्ट 78, व्हाट हैपेंड व्हेन द एलिफेंट रेन टू द लेक, जब वो लेक की तरफ गए तो क्या हुआ, द माइस वर हर्ट, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। देन 79, व्हाट डिड द माइस आस्क द लीडर ऑफ द एलिफेंट टू डू, क्या करने के लिए कहा था उसको, टू फाइंड अनदर वे टू द लेक, टू यूज अनदर, इसमें लिख देखिए कोई दिक्कत नहीं, सी आपका आंसर बना। देन आप देखिए मार्क द एडजेक्टिव कौन सा है इनमें, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, खासियत बता रहा है, तो डी आंसर है। देन 81 देखिए, वर्ड क्राउड वाज एक्साइटेड एंड चीयर्ड लाउडली देयर टीम, क्या पूछा है, कंजक्शन, मार्क द कंजक्शन, तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। 82 देखिए, इन विच वर्ड इज साउंड एच साइलेंट, तो देखिए यहाँ पे एच साइलेंट किस में, ऑनर में पढ़ा जाता है इसको, तो इसी में है, चूज द करेक्ट
टेंस कौन सा है इसमें? विल बी टेकिंग, मतलब आईएनजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, विल के साथ बी का इस्तेमाल भी हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। देन एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द रिनोम्ड साइंटिस्ट बिफोर ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो द का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए रिनोम्ड साइंटिस्ट, तो ऑप्शन ए का इस्तेमाल हम करेंगे। अब देखिए 85 नंबर क्या था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो पहली वाली स्पेलिंग एब्सेंस बिल्कुल सही है। 86 ब्रूड ऑफ गूज इज गीज, गूज मतलब बत्तख। नेक्स्ट इज 87 प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एक्यूरेट इन एक्यूरेट, ऑप्शन बी सही। सफिक्स देखिए यहाँ पे क्या लगता है, गिटारिस्ट कहलाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए, अदरवाइज कई चीज़ें और भी समझाई जा सकती हैं, बट जैसे ही आपको साफ प्रिंट मिल जाएगा आपको वो चीज़ें भी और अच्छे से समझा दी जाएंगी। इस पेपर को हम दोबारा बनाएंगे, अभी तो आप आंसर शीट देख लो और अपने आपको सेटिस्फाई कर लो कि हाँ ये आंसर ये वाला है तो क्यों है क्यों नहीं है एक्सेट्रा। 89 नंबर देखिए, सिनोनिम द वर्ड करेजियस, करेजियस मतलब हिम्मत वाला, तो ये होगा फियरलेस, ऑप्शन ए। 90 आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल वर्ड, तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्लूरल है, सीप, यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर दोनों एक जैसे होते हैं, तो यही आपका आंसर बनेगा। 91 चूज द पास्ट पार्टिसिपल और राइज, तो राइज का हो जाता है राइजन, राइज रोज और राइजन, ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल राइजन हो गया। 92 सेलेक्ट द फेमिनिन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी मेयर, घोड़ी। 93 द सन राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इनका इस्तेमाल होगा, ऑप्शन ए सही है। मार्क द एडजेक्टिव, डॉक्टर लेफ्ट द हॉस्पिटल इन ए क्वाइट मैनर, तो फिर क्वाइट ही होगा और कुछ बचता ही नहीं है। देन एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग, तो एन और ए का इस्तेमाल बारी बारी से है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, देखिए ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, प्लीज़ ओपन द डोर, किस तरह सेंटेंस होना चाहिए, इंपरेटिव होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप इन्हें देख लेना। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े सवाल और बचे हैं ये भी देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट, कौन सा अलग है, देखिए तो बाकी तीन मंथ ईयर और सेंचुरी कैलेंडर में इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन आर को हम कैलेंडर में इस्तेमाल नहीं करते, यही आंसर बनेगा। 98 सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट आपका आंसर सी सही है। 99 देखिए चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ आर्मी, तो आर्मीज हो जाएगा। देन चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, तो ए हार्ड ऑफ कैटल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, होपफुली आपको ये बहुत पसंद आया होगा, हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी किया है, अभी हमारे एक अच्छे प्रिंट का इंतजार है, हम मैनेज करते हैं उसको, फिर दोबारा से आपको डिटेल एनालिसिस के साथ आंसर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।